मुंबई तो बहुत एक्चुअली मुकुट है हमारे भारत देश की शान आन और बान है ये, और मुंबई में जितना व्यवसाय है पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। तो मैं यहाँ जितने भी व्यवसायी है अपने समाज के उनसे मैं दो हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि पूरे भारत देश के हमारे राजपूत युवाओं को आप रोजगार दें यार। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से। ये जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं वो किसी भी समाज के हो, उन सब के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। ये एम्बुलेंस तो दौड़ ही रही है, इसके साथ साथ एक राजपूत सभा भवन के नाम से मनाएंगे, वो भी जो राजस्थान के कोई भी कास्ट के भाई होंगे वो सब के लिए रहेगा। जो बाहर से यहाँ रोजगार के लिए आते हैं या इलाज के लिए आते हैं उनकी रुकने की जगह के लिए, वो भी सबके लिए रहेगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टीम सब जिलों में टीम बन चुकी है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ ये माया नगरी है बम्बई, इसमें भी बढ़िया काम हो रहा है और जल्द ही हम और बड़ी कार्यकारिणी यहाँ बनाने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने होगी। यहाँ के लोगों की नहीं, आने वाले समय में पूरे भारत में, अभी तो एक स्टेट चालू हुआ नागपुर और ये मुंबई में हुआ, अभी तो हमारे पास 22 स्टेट है, हर स्टेट में हर शहर तक हम एम्बुलेंस पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम भाइयों की समाज की छत्तीसी कौम की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को बहुत बहुत बधाई इस एक अच्छे कार्य के लिए। उन्होंने एक एम्बुलेंस ऐसी बनाई है जो 24 घंटे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। ये एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है जो करणी सेना कर रही है मुंबई द्वारा। और बच्चों के मनोरंजन के लिए इन्होंने क्रिकेट मैच भी कराया और उनको प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी बड़ी ट्रॉफियां भी रखी, उसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा कार्य जो समाज के लिए किया जाता है, मुझे लगता है उसमें सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने गांव में वहां से पेशेंट लाने का काम करे जो बॉम्बे से बहुत दूर हो, उसको केवल डीजल और ड्राइवर के खर्चे पे हम लोग ये एम्बुलेंस उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा जो है अच्छा काम करती है, और निश्चित तौर पे ये मेरा भेंदर शहर जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं, उसी के कड़ी में यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम टूर्नामेंट और यहाँ पे एम्बुलेंस का इन्होंने सेवा दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बूढ़ामणि जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं सत्कार करता हूँ। निश्चित तौर पे क्षत्रिय राजपूत शब्द जब जुड़ जाता है तो ये तो सेवा और परोपकार के लिए जानी जाती है, और निश्चित तौर पे जो है राजपूत समाज हमेशा जो है सेवा के लिए तत्पर पूरे देश में रहता है, रहा है, ये इतिहास रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं करणी सेना के सभी पदाधिकारियों को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ, और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपका और भी हौसला बढ़े और आप भी पूरे भारत में सेवा करते रहे। एम्बुलेंस का तो उद्घाटन का जो मेरा काम था, हमारी पूरी टीम की जो बातचीत चल रही थी पिछले 6 महीने से, लेकिन कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन थे उसकी वजह से हमने पोस्टपोन किया। ये तो जनवरी में ही एम्बुलेंस समाज को भेंट हो जाती, लेकिन उस टाइम कोविड की वजह से नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस का ही विमोचन का कार्यक्रम हम रख रहे थे, लेकिन पूरे युवाओं की मांग थी कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, ताकि कोविड के बाद, कोविड के 2 साल के दरमियान जो युवा मिले नहीं एक दूसरे, तो उसको सबको एक साथ देखने के लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया।